बताया था कि शाइनेस मेरे लिए पिज़्ज़ा गर्म कर रही थी, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। तो मुझे मेरे बहुत दोस्तों का फोन आया, बोला कि निखिल भाई आपको पता ही नहीं है कि 2 मिनट के ऊपर कुछ भी माइक्रोवेव करके खाना नहीं चाहिए, इट कैन कॉज कैंसर। उसको मैं कन्वेक्शन मोड आता है, कन्वेक्शन मोड आप 180 डिग्रीज जो भी डिग्रीज पे चाहिए सेट कर सकते हो और 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, दैट्स सेफ। तो कन्वेक्शन मोड में करो, माइक्रोवेव मत करो। माइक्रोवेव 2 मिनट से ऊपर करने में कैंसर होता है। मैंने गूगल किया और उसमें लिखा है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर आप माइक्रोवेव का खाना खाओगे तो कैंसर होता है, और 2 मिनट के ऊपर वाला खाना खाना नहीं चाहिए। अपेरेंटली ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, मुझे पता था कि कैंसर। तो क्या निखिल भैया की एक क्लेम सही है? क्या अगर मैं खाने को 2 मिनट से ज्यादा माइक्रोवेव करूंगा तो मुझे कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज है? नॉट रियली। क्यों? समझाता हूँ। सबसे पहले हमें माइक्रोवेव्स क्या है समझना पड़ेगा, पर उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई हेटर नहीं हूँ। मैं तब से निखिल भैया को फॉलो कर रहा हूँ जब ये एमएन स्क्वाड ये टर्म ही नहीं हुआ करता था, जब वो हैंड रेसलिंग के वीडियोज डाला करते थे बहुत पहले। तो एक वेटरन हूँ और एक जेन्युइन फॉलोअर हूँ। और निखिल भैया अगर आप देख रहे हो तो आई होप ये पॉजिटिव ले लो, गलत फेमे मत लो, मैं बस एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माइक्रोवेव्स क्या है? माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बस एक वेव ड्रॉ करता हूँ, है वो दो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक वेव की लेंथ जो है वो करीब 12 सेंटीमीटर है। एग्जैक्ट लेंथ डिपेंड करेगी आपके माइक्रोवेव के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसकी वेव लेंथ हुई 12 सेंटीमीटर। अब ये वेव जो है वो आपके खाने के थ्रू पास करेगा। अब जब खाने के थ्रू पास करेगा तो उसे पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे H2O के, यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब H2O जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो जब ऐसा वेव पास होता है तो वो ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेशन किस एंगल या किस साइड में होंगे वो डिपेंड करेगा पोलैरिटी पे और आपकी वेव की ओरिएंटेशन पे वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाते। और जैसे वो रब कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, काफी सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये कितने बार पास होगा आपके पानी के मॉलिक्यूल के थ्रू? अगर कंटिन्यूस वेव उसके थ्रू जा रहा है तो वो होगा 240 करोड़ बार। 240 करोड़ बार एक सेकेंड में, हर सेकेंड में 240 करोड़ ऐसे वेव्स पास होंगे उसके थ्रू। इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अगर आपने वाईफाई राउटर वगैरह खरीदा है तो आपका वाईफाई राउटर मोस्टली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है। इसलिए आप देख रहे रहेंगे कभी अगर आपके घर में माइक्रोवेव है और आपने माइक्रोवेव ऑन किया तो कभी कभी इंटरफेरेंसेस आ सकती है, स्पेशली ओल्डर मॉडल्स के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम है, पावर लेवल्स में बहुत फर्क है। मतलब आपका माइक्रोवेव थाउजेंड्स ऑफ वॉट्स पे ऑपरेट कर रहा है और आपका जो राउटर है वाईफाई का वो करीब मिली वॉट्स में कुछ ऑपरेट कर रहा होगा, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे करके कुक करता है माइक्रोवेव, इसलिए आप कुछ ड्राई कुक नहीं कर सकते माइक्रोवेव में, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है उसे। और जो मैंने वेवलेंथ कही वो हाईली डिपेंडेंट है मीडियम पे, तो पानी में वेवलेंथ अलग होगा, वैक्यूम में अलग होगा, हवा में, उसमें नहीं जाते हैं। तो ऐसे करके कुक होता है आपका खाना, इसलिए माइक्रोवेव अच्छा है क्योंकि आप अंदर से कुक करते हो खाने को। गैस पे वैसा नहीं है, गैस पे आपका बाहर पहले कुक होगा, फिर वो स्लोली स्लोली अंदर हीट जाएगी, अंदर को कुक करेगा। पर सर्फेस फिनिश अच्छी मिलेगी आपको गैस के ऊपर या स्टोव के ऊपर वर्सेज माइक्रोवेव, जहाँ सर्फेस फिनिश अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ कैंसर का पार्ट कहाँ आता है? कैंसर का पार्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ निखिल भैया के कमेंट से कि 2 मिनट रिलेटेड, तो वो होगा ओवर कुकिंग से रिलेटेड। अब कुछ पार्ट्स ओवर कुक हो सकते हैं क्योंकि माइक्रोवेव में वेव्स कंसिस्टेंट नहीं होते। ऐसे नहीं है कि एक शॉट में माइक्रोवेव आएगा, वो पूरा अंदर बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते रहता है। कुछ माइक्रोवेव्स में ऊपर एक रोटेटिंग मेटल फैन काइंड ऑफ होता है जो माइक्रोवेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करते रहता है, इसलिए वो नीचे का जो ग्लास है जो घूमता है जिसके ऊपर आपकी चीज, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके वेव्स को। तो हो सके मे बी कुछ पार्ट्स ओवर कुक हो, और ऐसे काफी टाइम पाया गया है कि ओवर कुक्ड पार्ट्स में एक्रिलामाइड करके एक सब्सटेंस हो सकता है जो कार्सिनोजेनिक है, पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक। राइट्स में वो फाइंड किया गया कि वो पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है, पर इसमें कुछ माइक्रोवेव स्पेसिफिक नहीं है, हर ओवर कुक में एक्रिलामाइड मिल सकता है, फिर चाहे वो गैस पे कुक्ड हो या इंडक्शन पे या जो भी है। पर एक चीज याद रखो, अब तक उसका कोई प्रॉपर कोरिलेशन नहीं मिला है ह्यूमंस में कैंसर डेवलप होने से और ओवर कुक्ड फूड खाने से। अब तक कोई भी सब्सटेंस, अब तक कोई प्रॉपर बेस नहीं है, ये सब बेसलेस है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ये चलते जाएगा, ये ओवन स्पेसिफिक कुछ है नहीं। ये हुआ फूड रिलेटेड। अगर निखिल भैया क्लेम कर रहे हैं कि माइक्रोवेव लीक करता है, देन इट वो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव जो एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, लोअर वेवलेंथ वाले ये सब। और अगर आपका माइक्रोवेव खराब हुआ है या आपकी सील टूट गए डोर के, तो बेटर है ना यूज करें ये माइक्रोवेव को ही नहीं। अगर आपका गैस लीक कर रहा है तो आप गैस तो यूज करोगे नहीं, सेम विथ इंडक्शन। तो इक्विपमेंट की जो भी कुकिंग सेफ्टी है वो मेंटेन तो करनी है। तो यही है, उतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माइक्रोवेव और कैंसर रिलेटेड। अगर आप वो वीडियो देखा है निखिल भैया का, और निखिल भैया अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो जब भी आप ऐसे साइंटिफिक क्लेम्स करो तो जरूर डिस्क्रिप्शन में सोर्स दे देना, ताकि वेरीफाई कर सके ये प्रॉपर सोर्स से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी मिसलीडिंग हो सकती है ऐसी चीजें। बस यही था ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। हो सके तो जरूर मेंबर बन जाना और डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। थैंक यू।